हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाधीन एंड वेलकम टू आवर चैनल एचडी गार्डन एंड टिप्स। तो दोस्तों, आज हम पर्टिकुलर कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। तो लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि मैं अपने बायोफ्लॉक सेटअप डाल रहा हूँ, मैं सीमेंट टैंक लगाऊँ या तारपुलिन टैंक लगाऊँ, कौन सा टैंक अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सीमेंट टैंक इंडिया के लिए अच्छा है, तारपुलिन टैंक इंडोनेशिया के लिए अच्छा है, तो उनको कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जो मेरा खुद का राय है, ठीक है। अगर ये किसी भी यूट्यूबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल निजी राय है, ठीक है दोस्तों। द फर्स्ट थिंग इज दैट हम लोगों को ये देखना है कि जो भी ये बता रहा है ये इस टाइप से प्रमोट कर रहा है कि मेरे पास सीमेंट टैंक है, जितने भी टैंक है तो यही इंडिया के लिए अच्छा है, यही आपको लगाना चाहिए। कोई दूसरा यूनिट बता रहा है कि नहीं, तारपुलिन टैंक ही एक्चुअली बायोफ्लॉक के लिए बनाया गया है, और बायोफ्लॉक कोई कहीं पे भी हो तारपुलिन टैंक पे भी किया जाता है। जो भी यूट्यूबर के पास जो भी टैंक है वो इसी टैंक को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। बट जो नॉर्मल इंसान है उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, सीमेंट डालो या तारपुलिन टैंक डालो, कौन सा करना मेरे लिए बेटर होगा। तो मैं इस चीज़ों को मैं थोड़ा ठीक से बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि इंडोनेशिया में सीमेंट के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर के लोग जो है ना तारपुलिन के टैंक पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और क्लाइमेट का भी एक फैक्टर है। ये चीज मुझे सरासर मुझे ठीक नहीं लगा कंप्लीटली। देखो, इंडोनेशिया में सीमेंट के कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ये लगभग सेम टू सेम ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही है। इंडिया में जैसे सीमेंट का कॉस्ट है, इंडोनेशिया में भी सीमेंट का कॉस्ट है सेम। तो अगर आप देखते हो ना, ये देखो अलीबाबा, अलीबाबा में चेक करोगे तो कुछ कुछ अलग ही कुछ बताया गया है। उनके जो गवर्नमेंट का साइट था ना, एक पर्टिकुलर एडिटर ने उधर जो लिखा था, क्योंकि सीमेंट सोल्ड बाय स्टेट ओन्ड सीमेंट इंडोनेशिया रेंजेस फ्रॉम 51,000 से 53,000 इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। तो आज के दिन पे जो मैंने चेक किया ना, ये कम से कम ये 60-65 60,000 से लेकर 65,000 या 55 के आसपास उतना इंडोनेशियन रुपया जाता है, ठीक है। अगर आप उनके इंडोनेशियन रुपया को देखते हो, 55,000 इंडोनेशियन रुपया, तो इंडियन करेंसी में कितना होता है, ठीक है, 279, ठीक है। थोड़ा 60,000 भी पकड़ लो ना, ये 300 350 के आसपास ही आता है। अपने इंडिया में भी 50 किलो जो बोरी है ना, उसका जो कॉस्ट है ये 300 350 के आसपास ही है, और उसमें भी ये लोग ये 2-3 साल पहले का है, ठीक है। तो ये है उनके करेंसी का स्टेटस। अगर आप देखते हो उनके जो उधर जो मिल्क मिलता है, ठीक है, वो 0.25 लीटर के लिए आप देखो 4,413 रुपया लगता है उनको, ठीक है। तो उनका ऑनियन अगर लेते हो, मतलब कांदा बोलते हो, प्याज जो बोलते हो, 0.10 ग्राम से उसके लिए 2,472 रुपया देना पड़ता है एक दिन के लिए, ठीक है। उनको एक पर्सन के लिए फूड के पीछे उनको लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो उनके करेंसी ऐसे हिसाब से बना है, इसका मतलब ये कॉस्टली नहीं है। उनका जो अर्निंग भी है ऐसे लाखों में करोड़ों में ये लोग अर्निंग करते हैं, उनको खर्चे भी ऐसे करोड़ों में करते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हो ना उनके जो रुपया जो होता है, नोट होता है, ये देखो 1 लाख है, 20,000, 2,000, 5,000, 1,000, 10,000, 50,000, एक एक इंसान पॉकेट में ऐसे लाखों के रुपया लेके घूमता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका सीमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नाउ आपको इंडिया में क्या करना है, देखो मैं और भी एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप, मैंने बाली का टेम्परेचर लिया, ठीक है, इंडोनेशिया का। अगर आप बाली का आप टेम्परेचर देखोगे ना, उनके जो एक चीज उनको जो पॉजिटिविटी मिलता है इंडोनेशिया को, उसमें उनके जो टेम्परेचर होता है ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम देखो पूरे साल एक ही जैसा रहता है, ठीक है। उनका टेम्परेचर कोई वेरिएशन नहीं करता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं और एक चीज उस पर ऐड कर रहा था कि उनके अगर जो उधर का जो एवरेज इनकम जो होता है ना एक लोगों का, 37 करोड़ होता है, ठीक है। जो 37 करोड़ उनके रुपए का हिसाब से होता है इंडोनेशियन रुपया, जो इक्विवेलेंट टू सिर्फ 280 US डॉलर होता है, ठीक है,
आप समझ सकते हो, मतलब इट्स सिमिलर, इकोनॉमी का जो कैलकुलेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये मैं हटके आता हूँ, टेम्परेचर आप देखते हो इंडोनेशिया का पूरा साल का सेम जैसा टेम्परेचर है, तो वेरिएशन बहुत कम होता है, उनको एडवांटेज मिलता है। ये एडवांटेज आपको इंडिया में मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। कहाँ पे मिलता है डेफिनेटली? जो साउथ इंडिया में जो आप चले जाओ, ठीक है, आप केरला पकड़ लो, तमिलनाडु पकड़ लो, आंध्र प्रदेश पकड़ लो, मैं जहाँ पे रहता हूँ कर्नाटका, बैंगलोर पकड़ लो, इधर का जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। इधर गर्मी तो ठीक ठाक रहता है, बट ठंडी के टाइम में भी ये मेंटेन रहता है, ठीक है, 20 22 18 इसके आसपास ही रहता है, और जब ऊपर जाता है तो 30 35 34 तक जाता है, ठीक है। चेन्नई में थोड़ा, तमिलनाडु पे थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन ये जो टेम्परेचर है थोड़ा बहुत गर्मी का टाइप ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट सेम, मतलब महाराष्ट्र भी आप देखो कि गर्मी बहुत कम रहता है, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा उनके, अगर बारिश भी आप देखते हो बाली का, तो ये आपका मई जून जुलाई अगस्त छोड़ के ऑलमोस्ट, सेप्टेम्बर छोड़ के ऑलमोस्ट बारिश रहता है, ठीक है। टेम्परेचर का प्रॉब्लम होगा, होता है मेनली जैसे पश्चिम बंगाल पकड़ लो, बिहार पकड़ लो, नॉर्थ की जगह पकड़ लो, नॉर्थ ईस्ट पकड़ लो, ठीक है, उसमें यूपी एमपी, इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। बट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सीमेंट या तारपोलिन इस पे ध्यान ना देके उसको देखना है कि टेम्परेचर मेंटेन कैसे किया जाए। अगर आप सीमेंट टैंक लेते हो, तारपुलिन टैंक लेते हो, खुले पे रहते हो, कहीं पे भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, उसको प्रॉपरली ढक के रखना पड़ेगा। और बहुत सारे टेम्परेचर कंट्रोल करने के जो विधि होता है, अगर वो आप मानते हो, तो टेम्परेचर दोनों टैंक पे ही आपके मेंटेन होते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ अगर आप पूछोगे कि सर मैं तारपुलिन टैंक लूँ क्या सीमेंट टैंक लूँ, मैं आपको बताऊंगा आपका जो मर्जी है आप लो, आपके लिए जो सुइटेबल है आप लो। इंडोनेशिया में टारपुलिन टैंक इसलिए लेते हैं कि ये उधर ये जो चीज है ना ये फेमस है, ये जो लोहे का जो रिंग होता है ना वो बना बना उनका बिकता है, और छोटे छोटे 3 डायमीटर का छोटे छोटे टैंक होते हैं। लोगों को कहीं पे भी जगह मिले, छत पे मिले, घर के कोने पे मिले, कोपचे पे मिले, कहीं पे भी ये लोग लगा के लगते हैं। जो लेले फिश उनके बहुत फेमस है, जो हाइब्रिड मागुर होता है वो कल्टीवेट करता है, इधर मार्केट में बेचते नहीं, खुद के खाने के लिए यूज करते, ठीक है, फॉलोड बाय तेलापिया भी कर लेते, पंगसियस भी कर लेते, बट लेले बहुत फेमस है, हाइब्रिड मागुर, ठीक है। नाउ इन इंडिया टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मुझे पर्सनल ओपिनियन पूछते हो, अगर आपके पास खुद का जमीन है, आपको मजबूती से करना है, आपको पता है कि भाई मेरा जमीन है, कोई हाथी नहीं लगा सकता, आप बेझिझक सीमेंट टैंक पे चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आप रेंटेड ले रहे हो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आपको पता नहीं है क्या है नहीं है, आप तारपुलिन का लगाओ। अगर बाई चांस अगर कुछ हो गया, ओनर से कुछ कटपट हो गया, ठीक है, तो आप अपना दुकान सम बोरिया बिस्तर बाद दो और निकलो, ठीक है, फिर दूसरे जगह पे जाकर सेटअप करो। तो ये आपके डिफरेंस है, आपके प्रेफरेंस क्या है, आप किस टाइप के प्रेफरेंस करते हो, आप परमानेंट हो कि आप टेम्पोररी हो, इसी हिसाब से आप डिसाइड करो आपको सीमेंट टैंक लगाना है कि आपको तारपुलिन टैंक लगाना है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि आप जो इम्पोर्टेंट बात है, आप सीमेंट टैंक लगाते हो कि तारपुलिन टैंक लगाते हो, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि भाई उसको आपको शेड देना है, ठीक है, आपको उसको प्रॉपरली ढक के रखना है। मैं इंडियन कंडीशन में बताऊंगा, क्योंकि इधर बारिश भी बहुत ज्यादा आता है, धूप भी बहुत ज्यादा होता है, आंधी तूफान भी बहुत ज्यादा होता है, तो ग्रीन नेट वेट नहीं रहेगा, उड़ जाएगा, फट जाएगा। अगर हीट अगर ज्यादा आता है, ठीक है, उस पर आप अगर आपको पता है डिजोल्व ऑक्सीजन से उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, हीट ज्यादा होता है तो आपके वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता है, और पानी हीट के ऊपर से वेपर होकर जाता है तो उसका अल्कलिनिटी भी बढ़ता है, ये प्रॉब्लम आपको होता है। एंड दोस्तों अगर आप बरसात के टाइम पे देखते हो ना, रेनी टाइम पे, तो अगर आप अच्छे से शेड यूज नहीं करते और पानी अंदर आता है ना, तो आपके जो पानी होता है ना उसपे उसका जो वॉल्यूम होता है ना तादाद बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपका आउटलेट से पानी निकलता है, जो लेवल करने के लिए जो पाइप रखते हो, तो उसमें भी आपके एल्कलिनिटी डाइल्यूट होता है, कम होता है, और उस टाइम नाइट्राइट अगर आपके पानी में है तो मछली के लिए घातक हो जाएगा, फिर मछली मरने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस चिंता आप मत करो, आप प्रॉपर शेड लगाओ, ठीक है, और अपना टेम्परेचर कंट्रोल करो विंटर में भी, और आप धूप से भी बचाओ और पानी से भी बचाओ, तो ये मेन फंडा है। और आपको जो भी टैंक लगाना है बिंदास लगाओ, पैसा कमाओ,
थैंक यू सो मच।